आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज टुडे वी हैव रमेश पोखरियाल जी आल्सो, बट आई विल रिक्वेस्ट फर्स्ट सेक्रेटरी हु विल डू फर्स्ट, अमित खरे जी टू ही इज सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सो ही विल डू अ प्रेजेंटेशन बिकॉज बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत मुद्दों को ढंग से समझने के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, सबको मिलेगा भी और प्रेस रिलीज भी डिटेल्ड है वो भी मिलेगा। आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वॉन्ट टू टेक ए सबैटिकल फॉर ए ईयर, आई वॉन्ट टू टेक ए ब्रेक फॉर एनी रीजन, फैमिली कंडीशन और अदरवाइज फॉर सम टाइम, एंड आई रिटर्न आफ्टर ए फिक्स पीरियड विद इन ए फिक्स पीरियड ऑफ विच विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाई द न्यू हायर एजुकेशन कमीशन, इफ आई कम बैक टू द एजुकेशन सिस्टम आई विल नॉट बी आस्क्ड टू रिपीट द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, माई क्रेडिट्स आर ऑलरेडी देयर इन द एकेडमिक क्रेडिट बैंक, I will utilize those credits for my further education. इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil दे कैन गो टू PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी, जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूज़िक में रुचि रखते हैं लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है, नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि
व्यक्ति मल्टीडिसिप्लिनरी वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूज़िक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेडेड अटोनमी ऑफ ऑटोनमस कॉलेजेस, ये आप में से प्रायः बहुत लोग अवगत होंगे कि हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको हम संबद्धता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो इनकी संख्या 800 तक पहुंच गई, जिसके कारण न केवल गुणवत्ता में गिरावट आती है बल्कि विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र ही बने रहते हैं, लगातार वहां परीक्षा चलती रहती है। ग्रेडेड अटोनमी की व्यवस्था ये होगी कि उनके एक्रेडिटेशन स्टेटस के आधार पर A+, A, B, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक अटोनमी और फाइनेंशियल अटोनमी कॉलेजेस को दी जाएगी। जो A+ हैं वो ज़्यादा अटोनमी पाएंगे, A वाले उससे कम, और B ग्रेड में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप अपने आप में सुधार लाएं, तब आपको आगे इसमें व्यवस्था की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है उसके उन्नयन और जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छे मेंटर मिले, उनके एलुमनाई से, उनके टीचर से, इसकी व्यवस्था रहेगी। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव UGC, AICTE एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दे विल बी सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रेडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटर रहेगा और वो रेगुलेटर सेल्फ डिस्क्लोज़र बेस्ड, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोज़र बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। हर चीज़ के लिए बार बार इंस्पेक्शन टीम बना के भेजने की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके जगह सेल्फ डिस्क्लोज़र बेस्ड व्यवस्था लाई जाएगी। As on date, we have different norms for deemed universities, for the central universities, for different individual standalone institutions. The new policy says that for reasons of quality, norms will be same and not as per the ownership. Chahe wo deemed university ho ya Kendriya Vishwavidyalay ho ya Raj Vishwavidyalay ho, shiksha ke jo standards honge वो सबके लिए कॉमन होंगे। फी फिक्सेशन पर भी समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसका विस्तृत उल्लेख पॉलिसी में किया गया है। ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन फी पर कैप रखा जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट दोनों और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा फी फिक्सेशन पर के लिए भी इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और जो शुरू से हमारा लक्ष्य रखा है कि GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए, अभी एज ऑन डेट इट इज़ अराउंड 4.43% इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वी विल वर्क टुगेदर, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल वर्क टुगेदर टू अचीव 6%। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, USA में नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन NSF के माध्यम से स्पॉन्सर होते हैं। हमने उसको थोड़ा सा सरकार ने विस्तृत करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें ना केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा, और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग करेगा। और इससे हम समझते हैं कि शिक्षा के साथ रिसर्च में जो हमको आगे आना है, जो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंटिंग, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पॉलिसी ने विस्तार से चैप्टर 12 में उल्लेख किया है, और उल्लेख ये है कि हम अपने देश के शिक्षा को, कि उच्च शिक्षा को इस स्तर का बनाएंगे कि बाहर के विद्यार्थी हमारे साथ आएं, और जो एक्सचेंज होते हैं वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेश के हाई रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हों।
स्टैंड अलोन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग ड्राफ्ट पॉलिसी में भी उल्लेखित था, कोविड के कारण पूर्व से ही व्यापक उपयोग होने लगा है। पॉलिसी में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा विथ इक्विटी, यानी हम समावेशी रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे साथी पीछे हैं या जो आर्थिक कारणों से जिनके पास डिवाइस या कनेक्टिविटी में रुकावट है तो हम उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बट एवरी चाइल्ड विल बी टेकन ऑन बोर्ड। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन सभी भाषाओं पर ध्यान देते हुए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं लैंग्वेज फैकल्टी के, रिसर्च जो लैंग्वेज पे होता है, जो क्लासिकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तेलुगु, कन्नड़, और जो CIL मैसूर है जिसमें और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सब पे ये जोर दिया जाएगा कि जो साइंटिफिक और लिटरेचर है जो अलग अलग भाषाओं का है उसको हम लोग आगे लाएं, और ट्रेडिशनल आर्ट्स जो आर्ट्स यानी कि उसमें क्राफ्ट भी सम्मिलित है, लोक विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जो पीछे कई बार हम लोग मॉडर्नाइज होने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जो हमारे लोक विद्याएं छूट जाती हैं उनको भी हम आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें चार मुख्य हैं। शिक्षा की जो योजना बनेगी एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, जो समस्याएं आज देखने को आ रही हैं विशेषकर असेसमेंट में, एग्ज़ाम्स के बारे में, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि सेमेस्टर वाइज, मिड सेमेस्टर वाइज ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से 360 डिग्री असेसमेंट होगा, उसका उल्लेख जब स्कूल में आएंगे तो आप मेरे सहकर्मी करेंगी। मैंने पहले भी कहा एक्सेस टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, डिसएडवांटेज कुड बी इकोनॉमिकल, डिसएडवांटेज कुड ऑल्सो बी ड्यू टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनके बारे में भी विशेष उल्लेख है कि दिव्यांगजनों के लिए टेक्निक का और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम कैसे उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, कई बार हमारा विशेषकर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में फोकस पूरी तरह से इंग्लिश पे हो जाता है या कहीं कहीं पे हिंदी पे रहता है, लेकिन जो ई कोर्सेज रहेंगे वो कम से कम 8 भाषाओं में, ये मंत्री जी ने बीच में ही निर्णय लिया है कि देश की जो प्रमुख 8 भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इधर गुजराती, मराठी और ओडिया बंगाली, तो इनमें हम ई कोर्सेज डेवलप करेंगे, केवल इंग्लिश हिंदी में नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई कोर्स रहेंगे। वर्चुअल लैब्स पर कार्य IIT मद्रास ने शुरू कर दिया है, बहुत से कॉलेजेस में लैब्स नहीं रहते हैं या स्कूल में लैब की वैसी व्यवस्था नहीं रहती है, आजकल सिमुलेटर टाइप के लैब नई टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, उनको ला करके लैब का एक्चुअल फील्ड हैंड ऑन एक्सपीरियंस हम वर्चुअल लैब से कराएंगे। इसके लिए एक नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, कोई अलग से ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने का नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशनिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इन सबको एक जगह लाने की ये व्यवस्था होगी। मैं इसके साथ ही अनुरोध करूंगा स्कूल एजुकेशन के प्रमुख जो रिफॉर्म्स हैं उस पर सचिव स्कूल शिक्षा बताएंगे। हेडिंग्स हैं सर टेक्नोलॉजी से, 27 जो मेजर हेडिंग्स हैं उसमें 10 हेडिंग्स सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए हैं, 10 हेडिंग्स सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए हैं, लेकिन 7 हेडिंग्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, और वो जो कॉमन है उसमें ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन भी है। तो जैसा कि सर कह रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, जो आप ऊपर जो 4 बुलेट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब 2nd बुलेट है, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए तो यूज़ होगा ही, लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो बाकी एरियाज़ हैं उसके लिए भी यूज़ करने के लिए काफ़ी डिटेलिंग है उसमें।
अब हम स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आएं तो इसमें काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। सबसे पहली चीज़ तो 1986 में जैसा कि ICDS स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। करिकुलम के अलावा यूनिवर्सलाइजेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो लिखा हुआ है, तो इस शिक्षा को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो NCERT के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहाँ पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो तीसरा बड़ा इसमें रिफॉर्म है वो है जो पाठ्यक्रम का और पढ़ाने के तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है, फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे, मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे, प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सके। जो मिडिल स्कूल होगा, जो 6 to 8 वाला जो 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 कक्षा है, उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है, इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज़ लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। तो ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर चेंज है, इसमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाठ्यक्रम में चेंज है। जो करिकुलम है इसमें खास करके भारण दिया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर बच्चे का बचपन से, 3 साल की उम्र से लेके 18 साल तक, और उसी तरह मैथमेटिकल थिंकिंग, इनफैक्ट पॉलिसी में रिकमेंडेशन है कि कक्षा 6 से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है, तो 21st century स्किल्स भी उसके साथ समावेश किए जाएंगे। जो 5वां बुलेट है, जो अभी जो रिजिड सेपरेशन है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है अगर आप स्पोर्ट्स में चले गए, ये को करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने डिबेटिंग कर ली, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, या वोकेशनल सीखना चाहते हैं तो वो नॉन अकेडमिक है, वो सारा जो सेपरेशन है वो हट जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, अकेडमिक्स, एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लेवल। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ये इंक्लूजन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ने इंक्लूजन की जो बात की, यहाँ पे 2 तरह का इंक्लूजन है। जो बच्चे PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, 21 types of disability, उनका इंक्लूजन के लिए स्पेसिफिक इसमें रिकमेंडेशन हैं। उसी तरह जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो किसी भी पॉपुलेशन के 3 से 4% के बच्चे जो होते हैं, जो जीनियसेस माने जाते हैं, उनके लिए भी इसके अंदर प्रोविजन है। जो गर्ल चाइल्ड के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर स्पेसिफिकली टारगेटिंग द गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट, गर्ल चाइल्ड के लिए और भी बहुत कुछ है पर मैं यहाँ आपको मेजर रिफॉर्म्स बता रही हूँ। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय हैं,
वो अभी कक्षा 8 कहीं कहीं कक्षा 10 तक है, उनको कक्षा 12 तक हर एक जगह ले जाया जाएगा। जो मेन चीज़ है, जो आप सेकंड लास्ट बुलेट देख रहे हैं कि जो करिकुलम है हमारा वो इतना हैवी है कि बच्चे जो हैं लाइफ स्किल्स, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो करिकुलम को एसेंशियल कंटेंट तक सीमित किया जाएगा ताकि समय मिले बच्चे को कि ये सब चीज़ एक्सप्लोर कर सके। वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाएगा। वोकेशनल जो है वो क्लास 6 से शुरू किया जाएगा, ये भी इस पॉलिसी में पहली बार है। पिछली पॉलिसीज़ में दिया हुआ है कि स्कूलिंग में सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल शुरू होगा, ये कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन है या ट्रेड पर्सन है वहाँ जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहाँ जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट्स ट्रेड्स क्या हैं। जो एक और मेजर रिफॉर्म है वो करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारा पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा होने वाली है वो 4 जगह वो चेंज होने वाली है। एक तो स्कूली शिक्षा की जो NCF है वो 2005 में बनी थी, 15 साल हो चुके हैं उस बात को, वो नया पाठ्यक्रम आएगा। उसी तरह से जो टीचर्स एजुकेशन जो 2009 में बनी थी 11 साल पहले, वो भी अब हम हाथ पर लेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मैंने आपसे जो बात करी कि वो भी जो है अब की बार पहली बार इस तरह से बनेगा कि 0 से 3 वर्ष का सब फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप घर पे क्या कर सकते हैं, और 3 से 6 वर्ष का आंगनवाड़ी के अंदर या प्री स्कूल में अगर बच्चा है तो उसके लिए बताया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत में पॉलिसी में लिखा हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना ज़रूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफर किया जा सकता है। और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को 2 भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंदर पॉलिसी में चीज़ें लाई गई हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करें, रोट लर्निंग को नहीं, जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहाँ जा करके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहाँ पॉसिबल हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लेके आए हैं कि जो बच्चे का जो आप रिपोर्ट कार्ड होता है, आप सबके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता होगा, वो 2 पेज का होता है, एक साइड सब्जेक्ट लिखे होते हैं और उसमें कुछ मार्क्स और लाल रंग की लाइन वाइन कहीं डाल दी जाती है, और दूसरी साइड लिखा जाता है कि बच्चा क्लास में बात नहीं करता, बस इतने सा रिपोर्ट कार्ड होता है। ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे। एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें हर साल इस बच्चे को कौन सी लाइफ स्किल इस बच्चे में समावेश होनी चाहिए वो लिखा होगा, पेरेंट्स के साथ चर्चा होगी, और वो हर लाइफ स्किल के ऊपर चर्चा करता हुआ रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी है। हर एक बच्चे का, चूंकि हम बुनियादी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देने वाले हैं, तो ऐसे हर एक बच्चे का लर्निंग आउटकम्स हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने बुनियादी शिक्षा लिटरेसी और न्यूमरेसी उसको अचीव की है या नहीं, तो वो उसकी बात की गई है। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम परख रखा गया है, परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे को परखने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो सेंटर है जो हमारे देश में करीब अभी 60 रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, गाइडेंस, ये पहली बार हो रहा है, ये किसी शिक्षा नीति में पहले कभी नहीं आया है।
ये गाइडलाइंस देंगे ताकि जो हर एक स्कूल बोर्ड है एक बेंचमार्क जो सेट किया जा रहा है वहां तक पहुंच सके। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ऑफर करेगी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ताकि जो बच्चे हैं एक कॉमन एग्जामिनेशन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑफर होगा एनटीए की तरफ से। टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा जिससे टीचर की रोल एक्सपेक्टेशन क्या है और टीचर को किस बेंचमार्क पे पहुंचना है उसके बारे में एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। ये एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलके तैयार करेंगे और ये पूरे देश में लागू होगा। बुक्स की प्रमोशन के लिए बुक, ये पढ़ना कितना ज़रूरी है इसके ऊपर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं क्योंकि बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता है तीसरी कक्षा तक तो आगे उसका पढ़ाई जो है उसकी बहुत सीमित हो जाती है। तो बुक्स रीडिंग एंड प्रमोशन पॉलिसी, उसी तरह डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर जोर रहेगा। सर ने जैसा बताया कि स्कूल्स में भी एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम होगा सेल्फ डिस्क्लोजर का स्कूलों का फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके आउटकम्स क्या होंगे? पहली चीज़ तो मैंने जैसे कि कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के सेकेंडरी स्कूलिंग का यूनिवर्सलाइजेशन 2030 तक करने की बात है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये पॉलिसी अलाइंड है। दूसरी चीज़ की जो बुनियादी शिक्षा है, हर बच्चा जो कक्षा 3 में पहुंचेगा उसकी बुनियादी शिक्षा अचीवमेंट हो वो 2025 मतलब 6 साल के अंदर करने की बात है। 100% GER सेकेंडरी लेवल की 2030 तक। जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वो हर एक बच्चे को हमें वापस लाना है। जो टीचर्स हैं उनको जो अब नए तरीके से असेसमेंट होने वाला है, मूल्यांकन का तरीका बदलने वाला है, उसके लिए उनकी तैयारी 2023 तक करके उसको हमें लागू कर देना है। जो इंक्लूजन के लिए सर ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमको सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चों को, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी कास्ट से हो, किसी रिमोट एरिया से हो, हर तरीके के बच्चों को समावेश करने के लिए स्पेशल पॉलिसी एस्पेक्ट्स हैं वो 2030 तक सब पूरे किए जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स का मैंने आपको बता ही दिया है। हर बच्चे का इसमें ये लिखा है कि जब वो स्कूल से निकलेगा तो एक स्किल, एक वोकेशनल स्किल उसको वो हासिल करके निकलेगा, ये भी इसमें पॉलिसी में लिखा है। और जो कॉमन जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जो सेल्फ डिस्क्लोजर के, वो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कॉमन रहेंगे, दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में पहुंचने का है। तो ये स्कूल का इतना ही था अभी। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। जैसे कि हमारे सचिव स्कूली शिक्षा और सचिव उच्च शिक्षा ने विस्तार पूर्वक सभी बातों को सूत्र रूप में रखा है और हमारे बड़े भाई आदरणीय जावड़ेकर जी जो इस मंत्रालय में और इस शिक्षा नीति से तब से लेकर लगातार जुड़े रहे हैं, जिनके समय में, जिनके मार्गदर्शन में ये काफ़ी आगे बढ़ी और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 125,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहाँ सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो,
शिक्षा मंत्रियों से, देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर, इनके एक एक विषय पर